आपका हमारे YouTube चैनल रेसिपी का सब सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। ये सीरीज़ का पार्ट नंबर 14 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक, ग्राफिक कलाकार। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? MF हुसैन, सुधीर रंजन खास्तगीर, जे स्वामीनाथन। इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, सुधीर रंजन खास्तगीर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बूंदी, कोटा, गढ़वाल। इसका आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, किशनगढ़। क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय। तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तेल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे? इसका आपका ऑप्शन जो है राजा रवि वर्मा, MF हुसैन, सतीश गुजराल, रणवीर सिंह बिष्ट। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 6। कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? यामिनी राय, VS गायतोंडे, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यामिनी राय। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है? GR संतोष, VS गायतोंडे, KK हैब्बर, भूपेन हजारिका। तो इसका आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, भूपेन हजारिका। क्वेश्चन नंबर 8। हबीब तनवीर एक नाटककार है, संगीतकार है, चित्रकार है, राजनीतिज्ञ है। तो इसका आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, नाटककार। क्वेश्चन नंबर 9। चित्रकार BN आर्या का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है ललित कला अकादमी दिल्ली में, ललित कला संस्थान लखनऊ में, इलाहाबाद संग्रहालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इसको आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलाहाबाद संग्रहालय में। क्वेश्चन नंबर 10। जैक्सन पोलक किस देश के कलाकार है? किस देश के रहने वाले कलाकार थे? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11। KG सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बनारस। इसको आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार है असित कुमार हल्दर, असद अली, MF हुसैन, KCS पन्नीकर। तो इसका आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, MF हुसैन। क्वेश्चन नंबर 13। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला, नाट्यकला, चित्रकला, नृत्यकला। इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से मूर्तिकार कौन है? हुसैन, रजा, आरा, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो इसका आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी। क्वेश्चन नंबर 15। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? पेस्टल रंग, एक्रेलिक रंग, गोंद मिली मिट्टी के रंग, तेल रंग। इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोंद मिली मिट्टी के रंग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, हंगरी में। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, हंगरी में। क्वेश्चन नंबर 17। चित्रकार MF हुसैन के किन
आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है, घोड़ों को, गायों को, घोड़ों को, घड़ियालों को, बकरियों को। तो आपका इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घोड़ों को। क्वेश्चन नंबर 18, चित्रकार एम एफ हुसैन का पूरा नाम है मोहम्मद फिराक हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, मोहम्मद फरीद हुसैन, मोहम्मद फारूक हुसैन। तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है, लेटिन, अंग्रेजी, जर्मनी, हिब्रू। तो देखिए इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा। वेद कितने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चार। क्वेश्चन नंबर 21, रामायण के रचयिता है रामन सागर, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, नारद मुनि। और देखिए 21 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 22, त्रिआयामी 3D कला कौन सी है, नृत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मूर्ति कला। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है, भूसा, गोबर, बुरादा, कागज़ की कतरन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कागज़ की कतरन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से गर्म रंग कौन सा है, बैंगनी, हरा, लाल, भूरा। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाल। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनता है, इसका ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा, पीला और लाल। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।